Myself is working subject, and I am from biotechnology center in KVD, Jabalpur, and I am presenting here plant-based computing and isobacteria for sustainable agriculture. Plant का जो स्पीयर एक सूक्ष्म जीवों के बहुत ज्यादा रिसोर्स होता है और यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्लांट के साथ कॉलोनाइज करते हैं। ये बैक्टीरिया प्लांट के रूट नोड्यूल्स के साथ साथ उसके आसपास के रीजन में रहते हैं और प्लांट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ये बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं। बेनिफिट्स जो हमें इनसे मिलते हैं उनमें मुख्य है नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया प्रोडक्शन, मिनरल सॉल्युबिलाइजेशन, सिडरोफोर प्रोडक्शन और हाइड्रोजन साइनाइड एसिड प्रोडक्शन। ये सभी प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, साथ ही उन्हें अबायोटिक स्ट्रेस और बायोटिक स्ट्रेस से बचने में मदद करते हैं। इन बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए हम नाइट्रोस्फीयर की सॉइल को कनेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं और उनको अलग अलग प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग ट्रेट्स के लिए ट्राइज करने के बाद उनका हम प्लांट माइक्रोब इंफेक्शन टेस्ट करते हैं और जो बैक्टीरिया प्लांट की ग्रोथ को यील्ड को और उन्हें स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं उनको आइसोलेट करके बायोफर्टिलाइजर में यूज करते हैं। थैंक यू।